हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। यहाँ पर आज क्लास का बेसिक पर्पस है कि सर ये बीएड तो अब हो गई, फाइनल ईयर में आ चुके हैं, एग्जाम देंगे। तो रेगुलर मैसेज के बाद कल मैंने मास्टर्स की बनाई थी एमए इंग्लिश करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बात की जा रही है सर हमने बीएड कंप्लीट कर ली, और अब बीएड कंप्लीट करने के बाद क्या होने वाला है, मतलब हमारा फ्यूचर क्या डिफाइन करता है, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं या सर आगे स्कोप क्या है बीएड करने के बाद। कई लोग अभी बहुत परेशान है, बीएड तो कर लेंगे पर बीएड के बाद दिमाग में कई सारी चीजें होती है। लोग बोलते हैं सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, टेट को क्लियर करना पड़ेगा, जब टेट या सीएट करेंगे तभी जाके जॉब मिलेगी। ये दिमाग आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, कंफर्म चल रहा होगा। कई लोग परेशान कि यार बीएड अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ था। लोग बोलते खाली बीएड करो वो जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती, डेफिनेटली नहीं मिलती, चेंजेस हैं कई सारे, लेकिन ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है या कैरियर ऑपर्चुनिटीज कम हो गई। डेफिनेटली बीएड का स्कोप आज भी उतना ही है जितना पहले था, शायद उससे कई गुना बढ़ गए। तो यहाँ इस पूरी क्लास को देखना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आप बीएड करते हो अपने टाइम दिया ना, उससे ज्यादा जरूरी है। इस क्लास को लास्ट तक लगे रहना। तो पहले व्हाट आफ्टर बीएड दिमाग में कुछ आता है, यानी बीएड के बाद क्या होगा, कई सारी चीज दिमाग में कि करना क्या। तो पहली डेस्टिनेशन जो आप लोगों ने क्लियर की, हर आदमी दिमाग में होता है द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज टू बी टीचर। यस गाइस, यू कैन बी अ टीचर, यू आर टीचर, दैट्स ट्रू। आप लोग टीचर हैं इसलिए आप बीएड कर रहे हैं, सबके सब ट्यूशन क्लासेस कहीं ना कहीं ले रहे हैं। आप ट्यूशन क्लास ले रहे हैं तो सर टीचर तो हम हैं। कई लोग तो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, इवन आई नो पर्सनली कई लोग स्कूल में टीचर हैं कई सालों से, लेकिन बीएड की डिग्री दिखाने इसलिए वो बीएड करें। तो ये तो हम जानते हैं कि सर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि टीचर तो है, सबसे पहला दिमाग में आता है सर टीचर तो है हमारे पास, ये है तो उसको क्लियर करना है। अब याद रखना टीचर के साथ आप लोगों ने सीटेट या टेट, अब से यूटेट को सीटेट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम आता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ टीचर डेफिनेटली ये हमें करना है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर तो क्लियर हो गया सर ये तो बनना ही बनना है, ये तो हम कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, आपको साइन मिलता है। अब इसके साथ बीएसएस बीबी का पेपर देते हैं या बाकी एंट्रेंस ले जाते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट फाइनली आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे आप एक टीचर बन सकते हैं। अब टीचर में भी अलग अलग पोस्ट, मतलब इस बीएड के बाद अगर हम बात करें, सर मैं यहाँ लेक्चरशिप की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम बीएड करते नहीं, जिनको लेक्चरर बनना होता है उनको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं, वो सीधा नेट के लिए जाते हैं, मास्टर क्रैक करते हैं, नेट क्रैक करते हैं और लेक्चर ले जाते हैं। तो बीएड का लेना देना लेक्चरशिप तो नहीं है गाइस। हाँ, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बनना चाहते तो बीएड काम कीजिएगा, क्योंकि बीएड के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहां पे आप ऐड करेंगे एमएड एंड देन यू कैन बी द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तब आपकी क्वालिफिकेशन एक स्कूल प्रिंसिपल की होती। तो ये तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब पहला जो क्लियर किया आपने कहा कैरियर ऑपर्चुनिटीज की बात की फॉर बीएड स्टूडेंट्स इज टू बी अ टीचर, दैट्स ट्रू। अब नंबर टू, यू कैन बी अ काउंसलर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ यू कैन बी अ काउंसलर, काउंसलर के लिए क्या चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कैसे डील करते हैं। बीएड डेफिनेटली डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हियर, यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीएड। काउंसलर बनने के लिए बीएड काम करता है, आपको हेल्प करता है चीजों को, आप बहुत इजी चीजें ग्रैप कर पाते हैं। सर यहाँ पे ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ, ये हमने कभी नहीं सुना कि बीएड करने के बाद काउंसलर्स, आजकल अगर आप साइकोलॉजी को लेकर जाते हैं तो काउंसलर बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी सर क्या कर दी, कंपल्सरी कर दी है, काउंसलर्स होते हैं अलग अलग जो डील करते हैं, तो उनके लिए भी बीएड चाहिए। सॉरी गाइस, तो यहाँ आपने बोला काउंसलर दोस्त नीट बी एड, तो आपका दूसरा जो ऑप्शन हो गया टीचर के बाद दैट इज काउंसलर्स। अब आपने कहा सर काउंसलर बन गए, फर्स्ट आया टीचर, दूसरा आ गया काउंसलर, अब काउंसलर भी बन गया, तो काउंसलर के बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट सर, दो चीज हो गई। अब आप रिसर्चर, यू कैन बी अ एजुकेशनल रिसर्चर, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्चर, एजुकेशनल रिसर्चर होते हैं जो काम करते हैं सर, काम करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज में स्टडी करते हैं, बीएड भी तो रिसर्च का ही पार्ट है, गेट दिस क्लियर इन योर माइंड।
You can be a lecturer in B.Ed. University. After completing B.Ed. and M.Ed., you can be a lecturer in B.Ed. University. B.Ed. University में lecturer बन सकते हैं easily. वहाँ positive है आपके लिए, वो चीज़ काम करती है, वो एक plus point भी आपके लिए. तो मैंने बात की first teacher, then counselor, then रिसर्चर. टीचर, काउंसलर, एजुकेशनल रिसर्चर, तीनों है हमारे पास. अब हमें आगे आना है और चीजों को क्लियर करना है. सर एजुकेशनल रिसर्चर हो गए, कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या इसकी सैलरी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको सारा इसको पता जाएगा. एजुकेशन रिसर्च क्या है, उसके क्या एप्लीकेबिलिटी है, किन चीजों को डील करता है, बी एड करने के फायदे में काउंट होता है हमारे पास. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट really is going to play an important role, that is educational administrator. You can be a educational administrator. तो यहाँ plus point में ये वो चीज़ आती है जो maximum students को पता ही नहीं कि B.Ed. के बाद हम educational administration बन सकते हैं. अब सर ये educational administrator कौन होते हैं, who are these people, ये क्या करते हैं? Educational administrator वो होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, finalize करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर सब ब्रेन में आते हैं, जो डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर बनाती. तो क्लियर करना यहाँ पे आपने आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने बीएड की हुई है तो. ये वहाँ एक प्लस पॉइंट काम करता है. तो आप लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन कम टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, ये आप बन सकते हैं. तो आपने कहा सर फोर्थ पॉइंट जो हमारे दिमाग में आया वो आ गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर. तो चार चीजें हमने बता दी आपको सर, फाइनली पांच चीजें का मैं जो बहुत डोमिनेंट है जो आपके लिए काम भी करेगी. आपने कहा सर ये कौन सी है, दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स. यू हैव प्लेंटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, प्लेंटी. अब दिमाग में कई लोग आता है कि यार बी एड की है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्कूल टीचर की जॉब मिलेगी, इसके अलावा कोई लाइफ में नहीं है. सपनों की दुनिया से बाहर रियल वर्ल्ड में आओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है, कई चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपको बेनिफिट देंगी. इट्स ऑल अबाउट सर हमने क्या करना है यहाँ पे, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं. कई सारी गवर्नमेंट जॉब है जो इन पर काम करती हैं. तो यहाँ आ गए गवर्नमेंट जॉब्स. अभी गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी और हमारे लिए कैसे काम करती है इनको क्लियर करते हैं. तो यू गाइस कैन सी मैंने पांच चीजें बताई जो आपको क्लियर करनी है. टीचर आपके सामने है, काउंसलर आपके सामने है, देन यू हैव द रिसर्चर जॉब, देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन वी आर हैविंग द गवर्नमेंट जॉब्स. गवर्नमेंट जॉब सर आप रेलवे में जा सकते हैं, आप यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, एप्लीकेबल है अभी तो आपकी एज बहुत है जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप भी है, वो इजिली आप क्रैक भी कर पाएंगे. पैटर्न वही है, पैटर्न को समझना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स लेके क्रैक करते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. एंड रिमेंबर नाउ इज योर फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर में आप लोगों ने बहुत सारा जान लगा दी कि भाई इस बार कम से कम 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाने ताकि ये आगे प्लस पॉइंट का काम करेंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू हैव अ गुड मार्क्स इन योर बीएड तो ये आगे प्लस पॉइंट का काम करता है, वो प्लस पॉइंट आपके लिए ही प्ले करेगा. तो गाइस दिस इज द स्कोप दैट यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएड. अब जैसा टॉपिक का नाम देगा व्हाट आफ्टर बीएड, बीएड के बाद क्या करना है, क्या तरीका होगा, किन किन चीजों को लेके चलना है, ये सब फॉलोअप करेंगे. किसी कोई डाउट है, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जिन लोगों के दिमाग में चल रही है सर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले वो सारे मिल जाएंगे इसी वीक, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले. और एग्जाम्स की प्रिपरेशन मत रोकिएगा, एग्जाम्स कंफर्म होंगे, थोड़े से आगे हो सकते हैं जब थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल सकती है बट एग्जाम कंफर्म है कि वो होने. तो किसी तरह की कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट में आओ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप लोग कमेंट को सॉल्व कर पाऊँ, उसका जो सोल्यूशन वो लाऊँ. तब तक आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टा पर भी, अब बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल. मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, तब तक याद रखना किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम बताने में सॉल्यूशन करता है.
और बता सकते हैं आप मुझे थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल मत कीजिए, मैं कॉल नहीं ले पाता. देन यू कैन वॉच, लाइक एंड शेयर इफ यू थिंक इट्स वर्थ. बाय गाइस.